हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका फीफा 20 के करियर मोड एपिसोड नंबर 6 में। और पिछले एपिसोड में हम लोग ने पहला काराबाओ कप का मैच खेला और एक प्रीमियर लीग का मैच खेला, और हम लोग ने एक नया साइनिंग किया, जोशुआ किंग को साइन किया, बर्नली को हराया प्रीमियर लीग में। और आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है लास्ट डे ट्रांसफर विंडो का। बहुत सारे टीम्स ने बहुत सारे पैसे खर्च किए, बहुत सारे प्लेयर्स को बेच दिया है। और यहाँ पे देजान लॉबरेन ने मैसेज किया है कि हम लोग ने उनको लास्ट मैच में खेला, उसके बदले थैंक यू बोला है, तो हम लोग ने उसको मोटिवेट किया है कि अच्छा खेले और आप अच्छा खेल कंटिन्यू करो, खेलते रहो, तो टीम के लिए अच्छा होगा, उसका मॉरल भी उससे अच्छा हो गया, तो सब चंगा है। और साला के लिए ट्रांसफ़र ऑफर आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ये बहुत बड़ा, और उन्होंने ऑफ़र किया 131 मिलियन। तो ऑब्वियसली साला अपने सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर है तो रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र। अगर प्रीमियर लीग जीतना है तो साला तो टीम में चाहिए। और ये देखो, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने ऑफ़र दिया है इंडियन टीम को मैनेज करने का, ये बहुत ही बड़ा ऑफ़र है और इमीडिएटली एक्सेप्ट कर दिया है। तो अभी इंडियन नेशनल टीम के कोच भी मिस्टर मेडन लेजेंड बन गए हैं, और इसका मतलब इमीडिएटली इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होंगे और इंडिया दो मैचेस खेलेगी ये वीक में। पहला मैच है कोट डी आइवोरी यानी कि आइवोरी कोस्ट के साथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया होगा तो, और बाकी वीडियोज़ भी देखिए। यहाँ पे पहला इंटरनेशनल मैच मिस्टर मेडन लेजेंड का, और उनको उनके होम कंट्री को कोच करने मिल रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। इंडिया और आइवोरी के कोस्ट के बीच में मैच, और आइवोरी कोस्ट ज़रूर बेटर टीम है, तो जीतना डिफ़िकल्ट होगा पर कोशिश करेंगे उनको हराने का। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग, और ये एक फोटो सेशन होगा दोनों टीम्स के साथ। पर वो सब हो गया, अभी किक ऑफ शुरू करते हैं। और भंडारी, और ये देखो आइवोरी कोस्ट के मेन प्लेयर है निकोलस पेपे, 24 ईयर ओल्ड, और आर्सेनल में है, और उनके पास बॉल है और वो रुक रहे, उन्होंने बीट किया डिफेंडर को, अच्छा क्रॉस दिया, हेडर और गोल। 6th मिनट पे आइवोरी कोस्ट ने गोल मारा है। और निकोलस पेपे, अभी उनके बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या क्रॉस दिया है, अटैकर को सिर्फ बराबर से बॉल को हेड टच करना था और गोल मारा था। और ये और एक चांस, बढ़िया सेव यहाँ पे चटर्जी गोलकीपर का, और इंडिया को चांस, ठक्कर लेके जा रहे, बॉल गिरा या फाउल है तो फ्री किक मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया पोजीशन से थोड़ा सा पेनल्टी एरिया के बाहर, नहीं तो पेनल्टी किक मिलता है इंडिया को। क्या इसका फ़ायदा उठाएंगे? एक बुरी चीज़ ये है कि ये सब फेक इंडियन प्लेयर्स है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों रियल प्लेयर्स नहीं है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो भी आप देख सकते हो। पर फिलहाल यहाँ पे भंडारी फ्री किक लेते हुए, अच्छा फ्री किक था पर लास्ट मिनट पे सेव किया आइवोरी कोस्ट के गोलकीपर ने, एक और एक चांस, बढ़िया पास और ये गो हो। इंडिया ने इक्वलाइजर स्कोर किया है आइवोरी कोस्ट के सामने, अच्छा पासिंग, अच्छा कोऑर्डिनेशन, और 29 मिनट पे 1-1 स्कोर हो गया है इंडिया और आइवोरी कोस्ट के बीच में। एक और एक चांस आइवोरी कोस्ट को, और अच्छा सेव, क्या एंगल से शूट किया, पर चटर्जी रेडी थे बॉल को रोकने को, और एक चांस इंडिया को, पलन, सेकेंड हाफ चालू हुआ है, शूट किया और बढ़िया गोल, ये बेहतरीन गोल था क्योंकि डिस्टेंस कवर करना था और फिर डिस्टेंस से गोल को, बॉल को गोल पोस्ट में भी डालना था, और उन्होंने उनका समय लिया, पलन ने रुके, देखा कीपर किधर है, देखा कोई डिफेंडर आजू बाजू ने तो उनके पास समय था, और फिर शूट किया, ये देखो रुके फिर शूट किया एग्जैक्ट कॉर्नर में, यानी कि कीपर को कोई चांस नहीं था। और मेडन लेजेंड बहुत ही खुश, उनका पहला इंटरनेशनल मैच है, और इंडिया ने यहाँ पे आइवरी कोस्ट के साथ लीड किया है, क्या वो लीड को टिका सकते हैं? यहाँ पे और एक चांस, पास दिया पर ये शॉट बहुत ही गंदा था अग्रवाल का, ये भंडारी और एक बार लेके जा रहे हैं राघवन के पास बॉल, राघवन ने बीट किया डिफेंडर को, और ये 1-on-1
और कीपर को बीट किया है स्टॉपेज टाइम में, और इंडिया ने इसका मतलब आइवरी कोस्ट को 3-1 से बीट किया। यहाँ पे फुल टाइम नहीं हुआ है पर 90 प्लस टाइम में तीसरा गोल मारा है, 2 गोल का डिफरेंस है, यानी कि इंडिया और मिस्टर मेडन लेजेंड उनका पहला मैच जीत रहे हैं। वीक की बहुत ही अच्छी शुरुआत, एपिसोड की बहुत ही अच्छी शुरुआत, और यहाँ पे इंडिया के झंडे लहराते हुए निकोलस पेपे पे कैमरा, वो फ्लॉप गए, हालांकि पहला असिस्ट उनका था, पर मेडन लेजेंड फैंस को धन्यवाद देते हुए और दुर्विश राघवन को मैन ऑफ द मैच डिसाइड किया है। सब्स्टिट्यूट बन के आए पर उन्होंने गोल मारा और कंफर्मेशन 3-1 से इंडिया जीत गए। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि लेजेंड ट्रीटेड टू डेब्यू फ्रेंडली विक्ट्री, यानी कि उनके डेब्यू में पहला फ्रेंडली मैच जीत गए हैं। और एक आर्टिकल है जिसके बाद लिखा है कि मेडन लेजेंड बहुत खुश हो गए कि उनको इंटरनेशनल ऑफर आया, वो इंडिया से आया, और ज़रूर कोशिश यही रहेगी मेडन लेजेंड की कि इंडिया को वो ज़्यादा जितना आगे ले सके उतना ले पाए और क्वालिफाई कर सके फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2022 में। माने को पिछले महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है तो वो अच्छी बात है, पर फिलहाल अभी और एक इंटरनेशनल मैच बाकी है, मेडन लेजेंड का दूसरा मैच, ये हफ्ते का दूसरा मैच। इंडिया खेल रही यूरुग्वे के साथ, बहुत ही डिफिकल्ट मैच होने वाला है क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट अटैकर है, बेस्ट स्ट्राइकर है सुआरेस, तो भी एडिसन कावानी ये मैच नहीं खेल रहे तो और डिफिकल्ट होता, पर सुआरेस को रोकना मुश्किल होने वाला है। क्या इंडिया रोक पाएंगे यहाँ पे चांस, और सुआरेस के पास ही बॉल, उन्होंने पास किया लोडेरी को, लोडीरो ने पास दिया सुआरेस को, सुआरेस ओपन है, ऑफ साइड भी नहीं थे, शूट किया, गोलकीपर ने रोका, पर हाँ अनलक्की रहे यहाँ पे गोलकीपर, उन्होंने पहला शॉट रोका सुआरेस का, पर अनलक्की ये थे क्योंकि दूसरे बार भी बॉल सीधा सुआरेस के पैर में ही गया और फिर दूसरे बार मौका गंवाने नहीं वाले थे, और बढ़िया सेव यहाँ पे चैटर्जी का, तो लीड कर रहे हैं उरुग्वे पर यहाँ पे इंडिया को चांस इक्वलाइज करने का, बढ़िया पास शूट किया पर कीपर ने क्या सेव किया, पैर से सेव किया और इक्वलाइज नहीं हो सका। यहाँ पे सुआरेस देखो क्या ड्रिबल करते हुए आ रहे हैं, और शॉट इतना बढ़िया शॉट था, इतने पावर के साथ था, डिफेंडर को चकमा दे दिए, गोलकीपर को भी चकमा दे दिए, और सुआरेस ने दोनों के दोनों गोल मारे हैं और 2-0 से लीड कर रहे हैं यूरुग्वे इंडिया के सामने। और मेडल लेजेंड का रिएक्शन बता रहा है शायद ये उनका करियर का पहली हार हो सकती है, अभी तक हारे नहीं है लिवरपूल के लेके, पर ये देखो कंफर्मेशन, और इंडिया को एक भी चांस नहीं मिला सेकेंड हाफ में, पहले हाफ में सिर्फ एक चांस मिला था, और अगर आप देखें तो यूरुग्वे ने भी वो सुआरेस से 2 शॉट छोड़ के इतना कुछ किया नहीं, तो अगर सुआरेस उनकी टीम में नहीं होते तो शायद इंडिया कुछ कर पाती, पर सुआरेस थे और इसलिए यूरुग्वे जीत गई 0-2 से। इंडिया हार गए पर कोई बात नहीं, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ मेडल लेजेंड का दूसरा मैच था, तो ज़रूर अगले मैच में वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम वापस जाएंगे प्रीमियर लीग में और चैम्पियंस लीग का मैच होगा PSG के साथ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर, शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर, मैं आऊँगा अगला वीडियो जल्दी लेकर।